अफगानिस्तान पर जब से तालिबान ने बंदूक के दम पर कब्जा किया है और वहां अपनी सरकार बनाई है, तभी से अफगानिस्तान के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के लिए भी ये देश किसी नरक की तरह बन गया है, जहां तालिबानियों ने उनके घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। न तो उन्हें पढ़ने लिखने दिया जा रहा है और न ही उन्हें खेलने दिया जा रहा है। यही वजह है कि अफगानिस्तान में महिलाओं पर हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा सख्त फैसला ले लिया जिससे अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी तगड़ी चेतावनी दे डाली। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के जिस खिलाड़ी को ज्यादातर लोग जानते हैं वो है राशिद खान, क्योंकि अपने खेल के दम पर उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जिसकी वजह से भारत में तो उनकी इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है कि लोग उन्हें भारत की नागरिकता लेने की सलाह तक देते रहे। लेकिन आज यही खिलाड़ी अपने देश के क्रिकेट के भविष्य को लेकर दुखी हो गया है, क्योंकि इसी साल मार्च में अफगानिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टीम वनडे सीरीज खेलने वाली थी, लेकिन अब अचानक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया। और इस सख्त फैसले की सबसे बड़ी वजह है तालिबान शासित अफगानिस्तान में महिलाओं पर लगाई गई तमाम तरह की पाबंदियां। ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड की ओर से जारी किए गए बयान में भी इस बात का जिक्र करते हुए कहा गया कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान समेत दुनिया भर में महिलाओं और पुरुषों को खेल में लाने और उनके विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। साथ ही अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनके देश में महिलाओं और लड़कियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार संपर्क में है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने तालिबान सरकार की ओर से महिलाओं पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए अफगानिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार किया तो अफगानिस्तान टीम के कप्तान राशिद खान बुरी तरह से भड़क गए और एक लंबा चौड़ा बयान जारी कर ऑस्ट्रेलिया को भी चेतावनी दे डाली। एक ट्वीट में राशिद खान ने लिखा, देश के लिए क्रिकेट एक आखिरी उम्मीद है, राजनीति को इससे दूर रखें। इस ट्वीट के साथ राशिद खान ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, बिग बैश लीग और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टैग करने के साथ ही एक बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा है, मैं ये सुनकर वास्तव में निराश हूं कि ऑस्ट्रेलिया मार्च में हमारे साथ खेलने वाली सीरीज से पीछे हट गया है। मुझे अपने देश का प्रतिनिधित्व करने में बहुत गर्व होता है और हमने विश्व मंच पर काफी प्रगति की है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले ने हमें पीछे ढकेल दिया। अगर अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना ही असहज है तो मैं बीबीएल में अपनी उपस्थिति से किसी को भी असहज नहीं करना चाहूंगा, इसलिए मैं उस प्रतियोगिता में अपने भविष्य पर दृढ़ता से विचार करूंगा। राशिद खान बिग बैश लीग में एडलेट स्ट्राइकर्स के लिए खेलते हैं, लेकिन अब उन्होंने बीबीएल से हटने की धमकी दे दी। आपको बता दें, इससे पहले अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के एक दिवसीय सीरीज से बाहर होने के फैसले के बाद वो बीबीएल से खुद को अलग कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार अफगानिस्तान के खिलाफ कोई सीरीज रद्द नहीं किया। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम नवंबर 2021 में अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलने वाली थी, लेकिन उस साल अगस्त में तालिबान द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद मैच को रद्द कर दिया गया था।